नमस्कार किसान भाइयों, 5 सितंबर सन 2020 की इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज मेरे पास काफ़ी किसान आए हुए हैं, जिनमें से दो किसान जो हैं अभी आप लोगों के सामने हैं, जो मेरे से पौधे लेके जा रहे हैं। इनमें से एक सज्जन जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दूसरे जो सज्जन हैं उनका अपना स्कूल है मेरठ के अंदर। तो मैं क्रमशः आपका परिचय इनसे कराऊंगा और ये मुझे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ लेके जा रहे हैं हमारे से और किस वजह से इतनी दूरी से ये पौधे लेने हमारे पास यहाँ आए हैं हीरो ऑर्गेनिक सहारनपुर में। तो मैं पहले आपसे सोनीपत के किसान का परिचय कराता हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना पूरा परिचय, गाँव का नाम किसान भाइयों को बताइए। हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र है और हमारा गांव है हलालपुर, सोनीपत में पड़ता है, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे है। और हम लोग यहाँ जो है अभी मोहगनी और अमरूद के पेड़ लेने आए हैं। एक्चुअली हमने एक एकड़ में अमरूद का बाग लगा रखा है और हमें मोहगनी भी उसमें लगाना था, तो हमने नेट पे सर्च किया तो राजीव जी का हमने देखा वीडियो वगैरह ऑर्गेनिक का, और हीरो ऑर्गेनिक की काफ़ी कुछ अच्छा नाम हमने सुना है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से यहाँ पेड़ लेने आए आज। आपका आने का धन्यवाद। अभी आपने मेरे से अफ्रीकन मोहगनी ली है, मालाबार नीम लिया है। आप देखें किसान भाइयों, जो अफ्रीकन मोहगनी इनकी जा रही है, ये आप पौधे देख सकते हैं, लगभग 6 से 8 फीट के पौधे भी हैं और कुछ पौधे इनके छोटे भी हैं। तो ये पौधा 150 रुपये वाला है, लगभग 100 पौधे इनके हैं, और जो 60 रुपये वाले पौधे हैं वो इन्होंने मेरे से लगभग 500-550 पौधे लिए हैं। और इसके साथ में केला, लीची और अन्य जो इनकी आवश्यकता के पौधे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी यहाँ से लेके जा रहे हैं। और दो बारह मासी कागजी नींबू भी लेके जा रहे हैं। ये भाई दिखा रहे हैं कि देखिए जो पौधा, आप पौधे के ऊपर फल देख सकते हैं, देखिए कैसे गुच्छे में आया हुआ है। 5 का गुच्छा है इधर, ये देखिए 5 यहाँ हैं, यहाँ हो गए। साइज देख सकते हैं लेमन का, सबसे बड़ी बात जो है। और ये नींबू पौधे के ऊपर देख सकते हैं कि कैसा इसके ऊपर नींबू है गुच्छे के अंदर। ये इतना ही बड़ा हो गया, और भी बड़ा होगा, ये लगभग यही साइज रहता है, 40-45 ग्राम। तो आइए अब मैं आपका, जो मेरठ से मेरे पास आए हुए हैं सज्जन, उनका परिचय कराता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह, मेरठ बागपत रोड पे नंगला जमालपुर गांव पड़ता है, वहीं मेरा डीएस बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कूल है। और मैंने भी हीरो ऑर्गेनिक के बारे में काफ़ी अच्छा सुना, तो मैं भी यहाँ ताइवान पिंक और ताइवान सफ़ेदा के पौधे यहाँ से लेने के लिए पहुँचा हूँ आज जी। लगभग मेरा 2.5 एकड़ का विचार है, 2.5 एकड़ का बाग लगाने का। तो मैं इनके विचारों से, इनकी बातों से, इनकी पौधशाला को देख के, इनके पौधों को रंग ढंग देख के उससे काफ़ी प्रभावित हूँ, और आशा करूँगा कि शायद जैसा हीरो ऑर्गेनिक ने हमें बताया है, समझाया है, उस पर ये समय के अनुसार खरे उतरेंगे और पौधे हमारे शायद अच्छे ही रहेंगे। बहुत अच्छे रहेंगे भैया, हम पूरी गारंटी देते हैं। जो हमने आपको कह के दिया है पौधा, उससे 21 निकलेगा, 19 नहीं जाएगा। हाँ, सिर्फ मैनेजमेंट आपको करना है, क्योंकि एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ ही हमारे पौधे पे रिजल्ट आएगा। मैनेजमेंट पुअर रहेगा, फ्रूट पुअर रह जाएगा, गालियां हमें पड़ने वाली हैं। अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, तारीफ हमारे होने वाली है, और कस्टमर भी हमारे पास, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके रिश्तेदार और आपके मित्रगण 100% आएंगे। उसी रॉयल्टी को आज हम यूज कर रहे हैं कि लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छी पौध दी है, और उसी के आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे सामने हैं। और अच्छा लगा कि काफी सर्च के बाद यहाँ पहुँचे हैं आपके पास। जी, आपका हृदय से धन्यवाद। देखिए जी, लेकिन यहाँ देखने में बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे वीडियो में देखा था, अभी जैसे आप यहाँ पौधे देख रहे हैं, तो क्या सच्चाई में आपको लगता है वो वैसा ही है? बहुत कुछ वैसा ही दिखता है, बहुत कुछ। जी धन्यवाद, आपका नमन कि आप यहाँ आए, आपने हमें सेवा का मौका दिया। अभी किसान भाइयों, एक गाड़ी और हमारी लोड हो रही है जो गुड़गावा जा रही है, और ये आपने मिशन वृक्षा के नाम से, वहाँ पे 5 करोड़ पौधे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि पूरे के पूरे गुड़गावा के बुद्धिजीवी लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग सेवा कर रहे हैं, और स्कूल के बच्चे उसके अंदर पौधे घरों में बांट रहते हैं। तो ये पौधे मिशन वृक्षा गुड़गावा को हमारे यहाँ से जा रहे हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, त्यागी जी को, जिन्होंने हमारे से पौधे लिए हैं और हमें सेवा का मौका दिया है इस पुनीत कार्य में। और भी हमारे पास में पूरे भारतवर्ष से किसान आए हुए हैं, अभी शाम तक लगभग 20 से 25 किसान आएंगे।
हरियाणा से काफ़ी किसान आता है, पंजाब से, दिल्ली से, हिमाचल से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, सभी जगह के किसान हमारे पास आते हैं। इनको पौधे दिखा दिए किसानों को? दिखा दिए सबसे। गाड़ी लाए हैं ना अपनी या नहीं? पौधे देखे ठीक लगे? बढ़िया। अच्छा, धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय किसान भाइयों को दीजिए, कहाँ से आप आए हैं? मैं देवेंद्र राणा। देवेंद्र राणा जी, कहाँ से आप आए हैं? देवेंद्र से, यमुनानगर से। कौन सा गांव है? ब्रेडी गांव पड़ता है। अच्छा, अभी जैसे आप पौधे लेने आए हैं, पौधे आपने देखे हैं, क्या आपको ऐसा पौधा लग रहा है कि हाँ भाई ये लगा के आप लोगों को लाभ मिलेगा, और जो हम कह रहे हैं कथनी और करनी में कुछ अंतर नजर आ रहा है? जो नींबू का पेड़ है जी, वो उसकी वैरायटी हमें अच्छी लगी। धन्यवाद। ताइवान जो अमरूद का है, ताइवान सफेदा जी, ये भी वैरायटी आपकी अच्छी लगी। चलिए, धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए। तो किसान भाइयों, ये कुछ कृषक थे और कुछ कृषक अभी आने वाले हैं, तो उनसे भी आपका परिचय कराया जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि शाम तक 100 से 150 लोग आ जाते हैं, माल भी जाता है 15-20 जगह, लेकिन फुर्सत ना होने की वजह से हम आपको वो वीडियो नहीं बनवा पाते हैं। और फिर जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो अधिक व्यस्तता के कारण वो सब नहीं हो पाता है। तो आज मैं ये वीडियो पुनः प्रेषित कर रहा हूँ आप सभी का। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।